कुल्लू जिले के भुंतर तहसील के अंतर्गत आती ग्राम पंचायत मशगा और ग्राम पंचायत परगाणु के हजारों लोगों को पिछले एक महीने से पीने के पानी की दूषित सप्लाई के चलते भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अधिकतर ग्रामीण डायरिया की बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं। दोनों पंचायत के लोगों ने डीसी कुल्लू तोरुल एस रविश के कार्यालय में पहुंचकर समस्या के समाधान की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने डीसी को बताया कि पीने के पानी के टैंक में सीवरेज और नालियों के गंदे पानी का रिसाव होने से लोगों को पिछले एक महीने से गंदे पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने डीसी से गुहार लगाई कि ऐसे में उन्हें टैंकरों से पीने के पानी की सप्लाई दी जाए ताकि उन्हें अभी के लिए दूषित पेयजल समस्या से निजात मिल सके और साथ ही जल्द से जल्द दूषित पानी की समस्या का समाधान भी किया जाए। हमारी मेन समस्या है कि वहाँ जब से पीडब्ल्यूडी की नालियाँ बनी हुई है वो नीचे हमारा नेचुरल सोर्स है जहाँ से कि दो पंचायतों के लिए पानी जाता है मशगा पीने का मशगा और परगाणु। उसमें जब से नाली पीडब्ल्यूडी ने बनाई है उसका पानी जो है रिसाव होके हमारे नेचुरल सोर्स में जा रहा है जिससे वो पानी पूरे दो पंचायतों में जा रहा है और वहाँ से पीने से लगभग हमारे 75% जनता ग्रामीण बीमार है। हम चाहते हैं कि वो पीडब्ल्यूडी की नालियाँ दुरुस्त की जाए या वो बंद की जाए कि आसपास के क्षेत्र से भी वहाँ के गंदा पानी उन्हीं नालियों में छोड़ा जा रहा है। बाथरूम का सीवरेज का सारा पानी वो गंदा सारा आ रहा है और वहाँ प्रॉपर सोर्स में जा रहा है। वहाँ जो नालियाँ है वहाँ एकदम बराबर प्लान है वो पानी खड़ा हो जाता है और वो सारा हमारे सोर्स में जा रहा है। वो सारा पानी हमारा ऊपर जा रहा है। थोड़े दिन वो सफाई करा देते हैं आईपीएच वाले, जैसे हम एप्लीकेशन देते हैं, चार दिन बाद वही बाल और लौटते जा। एक महीने से हमारे लोग कहाँ कहाँ से पानी इकट्ठा करके पी रहे हैं, वो पानी पीने लायक है ही नहीं। बस दो दिन के लिए सफाई होती है। हम चाहते हैं उसका प्रॉपर सोल्यूशन हो और पीडब्ल्यूडी विभाग वाले उस नाली का या तो ढंग से उसका निर्माण करें दोबारा से, अदरवाइज वो नालियाँ बंद की जाए ताकि हमारे को आगे परेशानी ना हो, हमारे गरीब जनता को इधर उधर भागना ना पड़े। क्या लगता है महोदय से पानी की मांग की है, हमने टैंकरों की मांग की है, हम डीसी महोदय ने आगे भी आश्वासन दिया है कि भाई एक दो दिन में आपको टैंकर भी मिलेगा। अब देखते हैं, हम जा रहे हैं एसडीएम साहब के पास, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि अपनी समस्या उनको भी बताएंगे, हमारे परिवार बीमार ना पड़े और ढंग से पानी का पानी चले सुचारू रूप से। धन्यवाद। क्योंकि आज हम मशगांव पंचायत और ग्राम पंचायत परगाणु से लोग यहाँ आए हैं, हमारे जो पेयजल की समस्या जो एक महीने से जो है बहुत परेशानी से जूझ रहे थे, उसकी मेन रीज़न क्या था कि जो पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा नेशनल हाईवे के साथ जो है ड्रेनेज थी उसका प्रॉपर चैनलाइजेशन नहीं होने के कारण जो है उसमें रिसाव होता था और उसी कारण जो वो पानी सारा गंदा हो रहा था। तो आज इसके लिए हम जिलाधीश महोदय से मिले, जिसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया और एसडीएम साहब को उन्होंने आदेश दिए हैं कि आगामी कार्रवाई हेतु तहसीलदार भुंतर भी ज्वाइंट इंस्पेक्शन के लिए आएंगे। तो हमें ऐसा आश्वासन दिया गया और हम चाहते थे कि गाँव वाले की हमें जो पीने के पानी की जो समस्या है उसके लिए हमें जो है टैंकर भी लगाए जाएँ ताकि लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जो टैंक में जो है कीड़े भी पाए गए जिसके वीडियो भी बने हुए और शायद सोशल मीडिया में भी ये वीडियो भी वायरल हो चुकी है और वही कारण है जिसकी वजह से डायरिया और ये इसमें जो है बीमार हुए लोग, गांव के लोग। बिल्कुल सर, आज जैसे कि आज जल शक्ति विभाग से भी आए हुए थे वहाँ पर टैंक के पास और वो उसकी सफाई भी प्रॉपर करवा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, पर उसमें जो है भविष्य में कुछ एक चीज़ें जो है उसको जो प्रॉपर कवर करने की ज़रूरत है ताकि उसमें जो है कुछ ऐसी चीज़ें ना जाए और पानी गंदा ना हो। वहीं डीसी कुल्लू तोरुल एस रवीश के द्वारा ग्रामीणों को दो दिनों के भीतर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया गया है और तहसीलदार भुंतर और एसडीएम कुल्लू जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को ज्वाइंट इंस्पेक्शन कर जल्द पीने के पानी की समस्या का समाधान करने के भी निर्देश दिए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज हिमाचल.केसरी।